मेरा सवाल ये है कि जैसे हम नहाने जा रहे हैं, गुस्ल करने जा रहे हैं, जी तो बाथरूम में तो बिना कपड़ों का जो है वजू, जैसे नहाने से पहले वजू करना पड़ता है, तो वजू कर सकते हैं बिना कपड़ों का, या उससे बाद में नमाज पढ़ सकते हैं? शायद आप वाजिबी गुस्ल के बारे में सवाल कर रहे हैं। देखिए, गुस्ल दो तरह का होता है, एक गुस्ल नजाफा और एक गुस्ल इबादा। एक नजाफत के लिए होता है, आप कभी भी नहाते हैं, आपको गर्मी लग रही है आप नहाए, या आपका रूटीन है आप ऐसे ही नहाते हैं, तो जी इसमें वजू की कोई बात नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे नहाएं। लेकिन अगर आप वाजिबी गुस्ल कर रहे हैं तो उसका तरीका, मुस्ताहब तरीका यह है कि उसमें आप पहले वजू करें। और आपका सवाल गालिबन इसी से मुताल्लिक है। आप जब वजू करना चाहते हैं तो आप पर यह कोई पाबंदी नहीं है कि आप कपड़ा पहन के वजू करेंगे या कपड़ा उतार के, आपको आजादी है। शरीयत ने इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि आपको वजू किस हालत में करना है, आप जैसे चाहें जी वजू कर सकते हैं। जी जी, मैनुद्दीन भाई, शुक्रिया। जी अगर हम वजू बनाने जा रहे हैं बाथरूम में, तो बिस्मिल्लाह जबान से या कुछ जिक्र करते हैं, जैसे बिस्मिल्लाह तो करना है, तो ये अपने दिल में कह लें, जैसे बिल्कुल, आप हम बिस्मिल्लाह बात करेंगे, वो करने जाते हैं। बिस्मिल्लाह करेंगे, कोई हरज की बात नहीं है, आप बाथरूम में हैं, बिस्मिल्लाह करेंगे। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख, जी तो जज़ाकल्लाहु मुझसे खैर मतलब मैनुद्दीन भाई। बोल के आप, बोल के जी करेंगे, अल्लाह, बोलना बोलना इसको कहते हैं कि उसमें आपकी जबान और आपका होंठ हिलना चाहिए, इसको बोलना कहा जाता है अरबी जबान में, कि आपकी जबान और होंठ हिलना चाहिए, जरूरी नहीं है जी कि जोर से आवाज निकले।